इलेक्शन इलेक्शन ही खेलते रहेंगे ये सारे सियासतदान, और मुल्क की जो सूरत हाल, यानी डॉलर एक एक रुपया करके बढ़ रहा है और 4 रुपए 5 रुपए एकदम से महंगा कर देते हैं। वो जो 15 दिन महीने में एक एक रुपया अठन्नी अठन्नी चवन्नी चवन्नी करके कम किया, उसको एक ही हल्ले में 4.5 रुपए बढ़ा दिए। पेट्रोल कम हुआ, बड़ी अच्छी बात है, 5 रुपए। ऊंट के मुंह में जीरा तो आपको पता है कितना जबरदस्त होता है। है ये कि ये पैसा जो इलेक्शनों पे खर्च होगा, अभी आप कर लेंगे ये सूबों के इलेक्शन, जो इमरान खान साहब की बेवकूफी की वजह से असेंबलियां उन्होंने तोड़ी और अजाब सवाब सारा आवाम को भरना पड़ रहा है। कहां से आएंगे ये पैसे? अभी मैं आगे आ रही हूं कि दूसरा जो इलेक्शन, माशरा मईशत मीडिया मजहब अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज आपसे मुखातिब है। चलें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रिव्यू ना देने का फैसला बहुत अच्छा फैसला है हुकूमत का, और सिकंदर सुल्तान साहब को भी मैं अप्रिशिएट करूंगी कि उनके लिए जितनी चीज़ें उड़ाई जा रही थी कि वो रिज़ाइन कर देंगे और वो ये कर देंगे और वो कर देंगे। खैर, एक ब्यूरोक्रेट और खुसूसन DMG ऑफिसर जो होता है, उसमें इतनी पॉलिटिकल विजडम भी आ जाती है। सिविल सर्विस की विजडम तो होती ही होती है, लेकिन ये विजडम भी आ जाती है, जो वो पॉलिटिकल एजेंट होता है, डिप्टी कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर रहा होता है, हमेशा डिस्ट्रिक्ट और डिविजन्स के अंदर काम करता है, तो उसको पता होता है ये पॉलिटिशियंस जो हैं, ये इनकी गेम प्लान क्या है। तो ये जाहिर है बड़ा वाइज फैसला है सिकंदर सुल्तान साहब का, इसलिए कि इतने बड़े बड़े पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, इतनी सैलरी और ये सब छोड़ के ठाट बाट, इतना रोमांस है इस पूरे उनके डेजिग्नेशन में, पूरी दुनिया की नज़रें उन पर लग जाती हैं कभी कभी, चाहे वो तनकीद की शक्ल में हो या किसी और हवाले से हो, आईनी उमूर के हवाले से हो और इलेक्शन कमीशन के रोल किरदार के हवाले से हो। और तनकीद तो ठीक है, बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो उन्होंने बड़ा अच्छा डिसीशन लिया कि उन्होंने मशावरत से, जाहिर है उनके मेंबर्स में दो ब्यूरोक्रेट भी हैं, बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, कोई भरवाना साहब हैं गालिबन और एक यहाँ से दुरानी साहब हैं सिंध से। तो मुझे सिर्फ एक सवाल पूछना है कि ये इलेक्शन इलेक्शन ही खेलते रहेंगे ये सारे सियासतदान, और मुल्क की जो सूरत हाल, यानी डॉलर एक एक रुपया करके बढ़ रहा है और 4 रुपए 5 रुपए एकदम से महंगा कर देते हैं। वो जो 15 दिन महीने में एक एक रुपया अठन्नी अठन्नी चवन्नी चवन्नी करके कम किया, उसको एक ही हल्ले में 4.5 रुपए बढ़ा दिए। पेट्रोल कम हुआ, बड़ी अच्छी बात है, 5 रुपए। ऊंट के मुंह में जीरा तो आपको पता है कितना जबरदस्त होता है। चलिए, ये मुझे बताइए कि ये पैसा जो इलेक्शनों पे खर्च होगा, अभी आप कर लेंगे ये सूबों के इलेक्शन, जो इमरान खान साहब की बेवकूफी की वजह से असेंबलियां उन्होंने तोड़ी और अजाब सवाब सारा आवाम को भरना पड़ रहा है, कहां से आएंगे ये पैसे? अभी मैं आगे आ रही हूं कि दूसरा जो इलेक्शन होना है, जनरल इलेक्शन, 4-5 महीने बाद, फिर वो अक्टूबर में अगर वो है तो उसके लिए एक अलग केयर टेकर गवर्नमेंट बनेगी। तो क्या ही अच्छा हो कि ये इलेक्शन और जमहूरियत के दीवाने और मतवाले और जियाले जितने भी हैं जमहूरियत के और इलेक्शन के इस मुल्क में, खास तौर पे इमरान खान साहब, आपको जो ये मोहब्बत करने वाले जो आपको मिले हैं, जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, बड़े बड़े उमरा और रऊसा आपके साथ हैं, ताजिर बरादरी ने कहा कि जी हम
अगर उसको वजीर आजम बनाते हैं तो हम पैसा खर्च करेंगे इलेक्शन पे। करो ना, अब आ गया, घोड़ा भी आ गया, मैदान भी आ गया, लाओ पैसा, अपने पैसों से कराओ, चूंकि फायदे भी तो तुम ही लोग उठाते हो। जो भी गवर्नमेंट बनती है, जब उनके इलेक्शंस पे पैसा खर्च करते हो तो फायदा भी तो तुम ही उठाते हो। तो करो भाई पैसा खर्च, लेकिन सरकारी खजाने पर इतना बड़ा बोझ, पहले ही मना कर चुके हैं मिनिस्टर फाइनेंस के भाई पैसे नहीं है। उन्होंने 14 बिलियन देने से इनकार किया इलेक्शन कमीशन को। लोगों का हाँ, चूंकि वो इलेक्शन नहीं चाहती, गवर्नमेंट चाहती वो स्टे करे, पावर को एंजॉय करे, इसलिए उन्होंने ये बहाना बना लिया कि जी मैं तो मुल्क का पैसा बचा रहा हूं। ऐसी बात नहीं थी, बात ये थी कि यही तय हुआ था कि अब इलेक्शंस, और बहुत अच्छी बात थी अगर कोई हुकूमत अच्छा काम भी कर रही है और अच्छी उसकी थॉट प्रोसेस इस हवाले से है कि भाई एक ही दफा सारे इलेक्शन हो जाएं, तो उसके लिए भी तो आप ही ने कदम उठाना है। मियां नवाज शरीफ साहब का भी यही मशवरा है अपने भाई को, बेटी को नहीं, उनके कंट्रोल में आ रही है, ना 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 ना, वो तो आउट ऑफ कंट्रोल है, बिल्कुल बिफरी हुई है, उसको पता नहीं क्या पारा खिला दिया है, तो बिल्कुल उसको होश ही नहीं है कि क्या बोल रही है, क्या कह रही है, क्या चाह रही है। लेकिन आप तो समझदार हैं, ये लड़की तो लोग कहते हैं जी एक काउंसलर का इलेक्शन नहीं जीत सकती। हाँ ठीक है, वो क्राउड पुलर है, वो क्राउड जो उसे देखने आता है, वो उसका मेकअप, उसके कपड़े, उसकी घनगरज वो सुनने आता है। हमारा हमारे हमारे सिख सोसाइटीज़ है ना हमारी, और ख़ास तौर पे ये जो स्ट्रीट पावर होती है, ये कोई खातून सामने खूबसूरत खड़ी हो और वो इस तरह की बयानबाजी, शोला बयानी, तो वो उसको एंजॉय करने आते हैं, ये उनकी पिकनिक है। तो इस पे ना जाइए प्लीज़ मियाँ साहब, दोनों भाई, दोनों मियाँ ब्रादरान से मैं ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप असेंबली ये तोड़ें, सदर साहब को भेजें कि जी केयर टेकर गवर्नमेंट बिठाएं और सारे मुल्क के जनरल इलेक्शंस एक ही दफा हो जाएं, ताकि ये जो अब दोबारा अक्टूबर में मैदान सजने के लिए जो मुसीबतें खड़ी होनी है और कैंपेन्स चलनी है, पूरा मुल्क आपने इसी पे लगा दिया है। आओ इलेक्शन इलेक्शन खेलें, बस हर वक्त इलेक्शंस होते रहेंगे और कोई काम नहीं होगा इस मुल्क में। कारखाने बंद पड़े हुए हैं, लोगों के चूल्हे बंद होने जा रहे हैं, एनर्जी क्राइसिस जो गैस का और इलेक्ट्रिसिटी का है उसने उधम मचाई हुई है। खुदा के लिए अवाम के ऊपर रहम करें, वरना हमें फिर दोबारा हमें कहना पड़ेगा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कि अल्लाह आप ही रहम कीजिए, खुदा के लिए अवाम के ऊपर बंद कराइए ये इलेक्शन का तमाशा, और वरना फिर वो जो मोहब्बत करने वाले हैं जमहूरियत के और इलेक्शंस के बहुत मतवाले हैं, उन सबको चाहिए कि वो चंदा इकट्ठा करें इलेक्शन के लिए और लड़ें इलेक्शन। कोई एतराज़ नहीं होगा, आवाम को भी नहीं होगा, हम तो खैर किसी शुमार कतार में नहीं है, हमारी तो औकात ही कुछ नहीं है, बैठ के बस अपने दिल की भड़ास हम निकाल लेते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारे दिल की ये भड़ास ना पाकिस्तान की सिक्योरिटी के खिलाफ है, ना इस मुल्क की गलत जो लोग हैं उनको फेवर करने से मुताल्लिक है। हमें जो बात जिस पार्टी की बुरी है, जिस हुकूमत की बुरी है, हम उसको ज़रूर जो है वो एक्सरसाइज करेंगे, अपनी आवाज़ ज़रूर उठाएंगे, लेकिन आपको सोचना है। चूँकि हमने आपसे कहा भी था कि कुछ अंडरग्राउंड तहरीकों का हमें पता चला है जो अवाम में से हैं, बिल्कुल अवाम में से हैं, ख़ास तौर पे मिडिल क्लास की जमातें हैं वो अचानक से एक दिन आपकी आँख खुलेगी ना आप सब सियासतदानों की, तो आप देखेंगे कि आपके साथ वो होगा जो इमरान खान के गुंडों ने कल जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में किया, अदालत के बाहर जो तमाशा उन्होंने किया। चूंकि आप जिस तरह लोगों की तरबियत कर रहे हैं इमरान खान साहब अपने कारकुनों की, उस तरबियत से ही पता चलता है कि आप मुल्क में सिर्फ अफरा तफरी चाहते हैं। आपकी 4 साल की परफॉर्मेंस उठा के देखें तो आपकी कैपेसिटी ऑफ गवर्नेंस तो आपने पाई नहीं जाती बिल्कुल। तो मेहरबानी करके आप अपने जो आपके मतवाले हैं, आपके दीवाने हैं मुल्क में भी और मुल्क से बाहर भी, जिन्होंने शौकत खानम के लिए बहुत पैसा दिया था, अगर वो समझते हैं कि हॉस्पिटल, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, सड़कें, पानी, बिजली, इन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका इलेक्शन है, तो उनसे कहिए खुदा के लिए पैसा दें, पैसा जमा कराएं ताकि इलेक्शन हो आपका। सरकारी खजाने पे से खुदा के लिए बोझ हटाइए आप लोग। और दूसरा रास्ता वो है कि
कि एक ही दफा सारे इलेक्शन हो जाएं, ताकि ये बोझ तो कम हो कम से कम। जो अक्टूबर में इलेक्शन होने हैं, बेशक वो मशवरे से सदर साहब के आईनी दारों के मशवरे से उसको थोड़ा अप्रैल में ना सही, बजट के फौरन बाद सही, एक बजट और दे लेने दीजिए इनको, मई में जून में करा लीजिए जनरल इलेक्शन, उसमें सारे इलेक्शंस हो जाएंगे और आप जीत भी जाएंगे। हम भी यही चाहते हैं कि आप जीते 2/3 मेजोरिटी से। हम आपकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए आपसे ये उम्मीद भी करते हैं इमरान खान साहब, बड़ा जोम है ना आपको कि बड़े पॉपुलर हैं आप और आप जीत जाएंगे 2/3 मेजोरिटी से, तो हम भी यही चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप 2/3 मेजोरिटी से जीतें, और वो जो आपने हर चीज का जवाब जो है इस बात को बनाया कि जी आपके पास 2/3 मेजोरिटी नहीं थी, लिहाजा ना तो आप कानून साजी कर सकते थे ना आप कोई और काम कर सकते थे, तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि आपको 2/3 मेजोरिटी मिले, ये इलेक्शंस एक दफा हो जाए, ये मुसीबत हमारे सर से टले और लोगों को चैन और सुकून की नींद सोए और हमारी मईशत, सबसे बड़ा अजदहा जो हमें निगलने के लिए इस वक्त तैयार बैठा है वो है हमारी इकोनॉमी, और वो उसी सूरत में ठीक हो सकती है कि वो तमाम लोग चंदा करें जो आपके चाहने वाले हैं। इस साल वो शौकत खानम को चंदा ना दें, आपके इलेक्शन पे चंदा खर्च करें और ये इलेक्शन एक दफा जनरल इलेक्शन हो जाए, ताकि कम से कम 4 साल के लिए 5 साल के लिए आप रूल कर सकें और आपकी वो परफॉर्मेंस सामने आ जाए जिसकी आपको हसरत रही कि वो हमारी परफॉर्मेंस जो है ना वो इसलिए खराब थी कि वो हमारे पास 2/3 मेजोरिटी नहीं थी। चले वो अब आपको मिल जाएगी, वो भी देख लेंगे, और अल्लाह करे खुदा करे कि आपको हिदायत भी मिले। चूंकि अभी हम एक दूसरा क्लिप कर रहे हैं, आपके अजहर सिद्दीक जैसे लोग जब आपके लीगल एडवाइजर होंगे, और जो आज उन्होंने एक मशवरा दिया है उनके ऊपर अभी हम बात करते हैं इस पर, तब तक के लिए खुदा हाफिज। अफसाना हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं, अफसाना हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं, उम्मीद लगाए